हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे ब्रिस्टो फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स एंड स्टार्ट करेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ड्राइंग। एंड इस ड्राइंग का आउट एंड ट्यूटोरियल मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक दिख रहा होगा। बेसिकली उस वीडियो में आपको आउट एंड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। सो यहाँ हम आउटलाइन को लाइट करने के लिए एंड ग्रिड लाइंस को इरेज करने के लिए यूज़ करेंगे नीडेबल इरेजर। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग एंड शेडिंग को हम लेफ्ट आई से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम HB पेंसिल से बेस लेयर शेड करेंगे। देन हम लेयर्स को बिल्ड करते जाएंगे एंड शेडिंग करते टाइम आप पेंसिल को बहुत ही लो प्रेशर से यूज करिएगा। बेस लेयर शेड हो जाने के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। देन लेयर बाय लेयर हम हायर ग्रेड्स का यूज करेंगे, जिससे कि हमें बहुत ही स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आईब्रोज में जो हेयर्स होते हैं हम उन्हें डायरेक्टली ही ड्रॉ नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पे बेस लेयर देंगे, देन हम लेयर्स को बिल्ड करेंगे, देन ही हम आईब्रोज के हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। सो ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ ब्रशेज एंड टिश्यू पेपर दोनों का ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी ब्रशेज मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मेकअप ब्रशेज हैं, ना कि पेंट ब्रश। कई लोग क्या करते हैं, पेंट ब्रश को यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें इतने ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट नहीं देखने को मिलते। जिस वे से हमने लेफ्ट आई एंड आईब्रो को कंप्लीट किया था, उसी वे से हम राइट साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो अब हम पूरे फेस में शेड करेंगे एंड जिस जिस जगह पे आपको हाइलाइट्स दिख रही हैं उस जगह पे आप बेस लेयर को तो शेड कर लीजिए, लेकिन डार्कर ग्रेड्स का यूज़ मत कीजिएगा। वहाँ पे हमको क्या करना है,
वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जिस जगह पे हमने डार्कर ग्रेड्स का यूज़ नहीं किया था वहाँ पे हम हाइलाइट्स को ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा नीडेबल इरेजर। एंड उसके बाद हम फिर से उनको थोड़ा बहुत ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक नेचुरल इफेक्ट आए। सो गाइस, अब मैं यूज़ करूँगा आर्टलाइन की 10B पेंसिल, क्योंकि ये ब्रांड की पेंसिल बाकी ब्रांड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा डार्क होती है। एंड इस पेंसिल का यूज़ हम एक्सट्रीमली डार्क एरियाज जैसे कि प्यूपिल एंड आईब्रोज में करेंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी की ड्राइंग हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एंड अगर उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय।